इंडिया साउथ अफ्रीका टी20 झारखंड की राजधानी रांची में 9 अक्टूबर को भारत व दक्षिण अफ्रीका के बीच क्रिकेट मैच खेला जाएगा। अरसे बाद यहां मैच होने से क्रिकेट प्रेमी बेहद उत्साहित हैं। इस मैच के लिए टिकट की कीमत तय हो गई है। 6 अक्टूबर से टिकट की बिक्री प्रारंभ हो जाएगी। रांची के JSCA स्टेडियम में होने वाले इस मैच के लिए खेल प्रेमी 8 अक्टूबर तक टिकट खरीद सकते हैं। स्टेडियम में काउंटर रेडी है। 8 अक्टूबर को इसे खोला जाएगा। यह दिवसीय सीरीज का दूसरा मैच होगा। रांची के इस मैदान में टीम इंडिया के कई खिलाड़ी अपना जलवा दिखेंगे। बताया गया कि 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 8 अक्टूबर को JSCA स्टेडियम में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक टिकट काउंटर खुला रहेगा। वहीं दोपहर में करीब 1 बजे से 2 बजे तक काउंटर बंद रहेगा। इस दौरान खेल प्रेमी टिकट खरीद सकते हैं। मैच का टिकट उन्हीं खेल प्रेमियों को बेचा जाएगा जिनके पास आधार कार्ड होगा। इसकी एक प्रति काउंटर पर जमा करना होगा। इतना ही नहीं, इस बार एक खेल प्रेमी को सिर्फ 3 टिकट खरीदने का अधिकारी होगा। ज्यादा टिकट खरीदने के लिए अलग अलग लाइन में लगना होगा। कहा गया है कि ऑनलाइन भी टिकट की बिक्री होगी। दर्शक खुद भी साइट पर जाकर टिकट ऑनलाइन खरीद सकते हैं। बताया गया कि इस बार मैच का सबसे महंगा टिकट 10,000 रुपए का है, वहीं सबसे कम कीमत 1,100 रुपए है। झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन ने इन टिकटों की कीमत तय की है। बकायदा इसकी घोषणा भी कर दी गई है। यानी इस बार रांची में अगर आप मैच का आनंद उठाना चाहते हैं तो कम से कम 1,100 रुपए तो खर्च करने ही पड़ेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।